राजभवन के समक्ष लोकहित अधिकार पार्टी की एक दिवसीय महाधरना। सहारा इंडिया समेत तमाम नॉन बैंकिंग कंपनियों के द्वारा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों की जमा पूंजी ब्याज सहित अविलंब भुगतान हो, इसी मांग के समर्थन में लोकहित अधिकार पार्टी के तत्वाधान में राजभवन के समक्ष एक दिवसीय महाधरना दिया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष रोशन लाल गुप्ता ने कहा कि वर्ष 2019 में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून बैंकिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट बनाकर ठग कंपनीज एवं ठग सोसाइटीज में डूबी हुई जमा राशि का 2 से 3 गुना धनराशि पीड़ित आवेदक को 180 दिन में भुगतान करने का कानूनी अधिकार दिया था, परंतु आम जनता आज भी ठगा सा महसूस कर रही है। राष्ट्रीय महासचिव सतीश गांधी ने कहा कि अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के अंतर्गत देश के प्रत्येक जिला में पीड़ित आवेदकों से आवेदन लेने और उनका भुगतान करने हेतु भुगतान पटल की स्थापना का भी कानून में प्रावधान किया गया था। अनियमित जमा और नियमित जमा योजनाओं पीड़ित जनता के जमा धन की वापसी हेतु संसद और सरकार ने देश भर में विशेष न्यायालय सक्षम अधिकारी, सहायक सक्षम अधिकारी एवं अन्य नोडल एजेंसीज का चयन और नियुक्ति किया था। कानून बनाकर पीड़ित जनता को ये विश्वास दिलाया गया था कि सरकार उनका डूबा हुआ धन राशि वापस करेगी, परंतु 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को अभी तक न्याय नहीं मिला। प्रदेश अध्यक्ष सुनील साहू ने कहा कि महामहिम राज्यपाल महोदय जी के माध्यम से लोकहित अधिकार पार्टी अनुरोध करती है कि देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को अविलंब न्याय दें, अन्यथा यह आंदोलन लगातार जारी रहेगा। और निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। बहुत बड़ी बात न कहते मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है, कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी में हर पहलू इम्तिहान होता है। भागने वाले का सुख नहीं मिलता जिंदगी में, और लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है, जहान होता है। है वो है सामाजिक न्याय का, चाहे वो दबे कुचले वंचितों को सामाजिक न्याय के लिए निशुल्क शिक्षा देने की बात हो या निशुल्क चिकित्सा देने की बात हो, वोटर पेंशन लागू कराने की बात हो, और उसी की कड़ी में आज करोड़ों करोड़ जो चीट फंड नॉन बैंकिंग कंपनियों के माध्यम से करोड़ों करोड़ परिवार आज अपनी गाढ़ी कमाई को निवेश किया था अपने भविष्य को संवारने के लिए, अपने बाल बच्चों की पढ़ाई के लिए, विवाह शादी के लिए बिटिया का, लेकिन आज जिस तरह से चीट फंड नॉन बैंकिंग कंपनियों को केंद्र सरकार अचानक बिना पूर्व सूचना का बिना पैसा लौटाए बगैर बंद करा दिया गया, और 2014 में तो उसका उसी का न्याय के लिए आज लोकहित अधिकार पार्टी की सभी पीड़ित परिवारों को ब्याज सहित उसका पैसा लौटे, ताकि उसकी जिंदगी में का जो गाढ़ी कमाई है पैसा उससे वो अपना जीवन को संवार सके। इन्हीं मुद्दों के साथ हम लोग लड़ाई को अभी तक इस मुद्दा को लेकर के नहीं आ पाया। इसी बात का तो दुख है कि चाहे इंडिया की सरकार हो चाहे एनडीए का सरकार हो, जो लंबे समय से केंद्र में सरकार रहा, राज्य में सरकार रहा, और उन्हीं के संरक्षण में उन्हीं के द्वारा लाइसेंस मुहैया कराने के द्वारा आज करोड़ परिवार को सहारा इंडिया हो, पल्स इंडिया हो, ऐसे हजारों नॉन बैंकिंग चिटफंड कंपनियों के द्वारा लूटपाट कराया गया, और आज उन्हीं के संरक्षण में वो बड़ी बड़ी कंपनियों का जो जमा राशि है
असेफ है, चाहे वो सेबी के पास हो, चाहे उसके द्वारा जब्त किए हुए परिसंपत्ति हो, चाहे तो केंद्र सरकार एक महीना के अंदर में सभी ठगी पीड़ित परिवारों को ब्याज सहित पैसा लौटा सकता है, लेकिन वो जानबूझ करके पूंजीपतियों को उनके पैसा का लाभ देकर अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए, अपने संगठन को विस्तार के लिए पैसा का इस्तेमाल कर रही है। और हमारे जो गरीब जनता है, जो गाँव के किसान मजदूर लगे, उसको छोटी छोटी योजनाएं 5 किलो चावल और मैया योजना के तहत की तरह लुक लुभावन चीजों दे करके उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया जा रहा है, और उसके पैसा को, गाड़ी कमाई के पैसा करोड़ रुपया को पूंजीपतियों को दिया जा रहा है। इन्हीं के खिलाफ लोकहित अधिकार पार्टी इस राजभवन महामहिम के समक्ष एक दिवसीय आंदोलन का आगाज किया है, आंदोलन की शुरुआत किया है। यदि समय रहते विलंब अगर केंद्र सरकार ठगी पीड़ित परिवारों को न्याय देते हुए उनके जमा पैसा का ब्याज से पैसा नहीं लौटाते हैं, तो यह आंदोलन आगे भी उग्र होगी और पूरे देश व्यापी आंदोलन का रूप हम लोग के रूप में लड़ेंगे। आम जनता को क्या बोलना था इस मुद्दे को लेकर? आम जनता के लिए कहना ये चाहते हैं कि ये लुटेरी, ये निरंकुश सरकार से कोई अपेक्षा करना बेईमानी है। हम सबों को एकजुटता का परिचय देते हुए लड़ाई को लड़नी पड़ेगी। जब तक अपनी बातों को, अपनी लड़ाई को बुलंद नहीं कीजिएगा, तब तक इन लोगों को नींद नहीं हराम होगी। और सबसे बड़ी बड़ी बात है कि लोकतंत्र में वोट से ही शासक चुने जाते हैं, और यदि हमारा करोड़ों पीड़ित परिवार इस बात को समझ ले कि जिन केंद्र की सरकार को हम वोट देकर के केंद्र में सरकार बनवाते हैं, और वही सरकार के द्वारा हमारा गाड़ी कमाई को लुटवाया गया है और हमें कंगाल बना दिया गया है, अगर उनको ये डर पैदा करने में अगर सक्षम हो जाए कि यदि अगर चुनाव से पहले अगर हमारी पैसा को आप ब्याज सहित वापस नहीं करते हैं, तो हम आपका वोट का वोट नहीं दे करके हम लोकहित अधिकार पार्टी के साथ अगर आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार की नींद टूटेगी और वो अविलंब इसका पैसा को वापस कराएगी। हरिनाथ साहू, प्रदेश उपाध्यक्ष, सर रांची, रांची जिला प्रभारी, लोकहित अधिकार पार्टी। 2016 में केंद्र की मोदी सरकार ने लगभग 3.25 लाख नॉन बैंकिंग कंपनियों को बंद कर दिया। बंद कर दिया, हम इसके विरोधी नहीं है, लेकिन बंद करने से पहले उन नॉन बैंकिंग कंपनियों में जिन गरीब जनता का पैसा जमा था उनका पैसा दिलवा देते, उसके बाद बंद करते। आज तक गरीबों का पैसा फंसा है। अब गरीब आदमी बहुत मेहनत मुशक्कत करके 2 पैसा कमाता है, कोई 5 रुपया महीना जमा करता था, कोई 10 रुपया महीना जमा करता था, कोई 100 रुपया महीना जमा करता था, कोई 150 रुपया महीना जमा करता था, सोचा था कि मुसीबत के समय यह पैसा काम आएगा। अब यह पैसा उनकी मुसीबत बन गई, अब उनका पैसा डूब गया। तो लोकहित अधिकार पार्टी ने देखा कि अपने राज्य के, अपने देश का एक भी राजनीतिक पार्टी इस मुद्दा को लेकर लड़ाई नहीं लड़ रहा है, जनता की लड़ाई नहीं लड़ रहा है। तो लोकहित अधिकार पार्टी ने फैसला लिया कि हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, और तब तक लड़ते रहेंगे, तब तक लड़ते रहेंगे जब तक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को उनका पैसा ब्याज समेत उनको नहीं मिल जाता है। इसकी शुरुआत आज हम लोगों ने किया है, महामहिम राज्यपाल जी के समक्ष महाधरना दे रहे हैं इसी मुद्दे को लेकर, और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाता है। आपको सरकार से इस मुद्दे पर वार्ता हुई? नहीं, अभी तक हमारी किसी सरकार से कोई वार्ता नहीं हुई है। जब आप सत्ता में आएंगे, सत्ता की भागीदारी बनेंगे, तो आप क्या मुद्दों को लेकर बैठेंगे? सत्ता में आने के बाद हम धरना प्रदर्शन क्यों करेंगे? सीधे समस्या का समाधान करेंगे, और यदि समस्या का समाधान नहीं करेंगे तो फिर आने वाले चुनाव में जनता के बीच वोट मांगने नहीं जाएंगे। इसीलिए सत्ता में आने का मतलब है समस्या का समाधान करना, और यदि समस्या का समाधान कर ही नहीं सकते तो सिर्फ धरना प्रदर्शन। आज हम सड़क पर लड़ रहे हैं, हम कल सदन में लड़ेंगे। आज हम सदन में नहीं लड़ सकते, मेरे पास विधायक नहीं है, इसीलिए आज हम सड़क पर लड़ रहे हैं, मेरी मजबूरी है। कल हम सड़क और सदन दोनों जगह लड़ेंगे, लेकिन इस मांग को पूरा करवाएंगे। ये लड़ाई बिल्कुल लंबी नहीं चलेगी, इसलिए नहीं चलेगी कि तमाम पार्टियों को बस ये डर हो जाना चाहिए कि जिन लोगों का पैसा डूबा हुआ है वो हम लोगों को वोट देने वाला नहीं है, 2 मिनट में समस्या का समाधान होगा। ये जनता पर डिपेंड करता है, और जनता में जागरूकता आ रही है।
अब जनता से क्या बोलना चाहे इस मामले में? जनता को यही कहना चाहते हैं, खासकर जनता में जो ठगी पीड़ित जमा करता परिवार है, उन सभी लोगों से यही करना चाहते हैं कि जो आपको आपका पैसा ब्याज समेत वापस दिलवाने के लिए लड़ाई लड़ता हो, आप उनका साथ दीजिए, पैसा आपको मिलेगा। जो नहीं लड़ता है उनको आप साथ नहीं दीजिए, बहुत जल्द आपको इंसाफ मिलेगा। सुनील साहू, प्रदेश अध्यक्ष, लोकहित अधिकार पार्टी, झारखंड। आज तक नॉन बैंकिंग के मैटर में जितने भी लोग दुखी दुखियारी वंचित समाज फंसा हुआ है, आज तक कोई भी पार्टी जो है इस मुद्दे को उठाया नहीं, लेकिन लोकहित अधिकार पार्टी इस मुद्दे को आखिरी दम तक लड़ेगी, जब तक शोषित पीड़ित लोगों का पैसा कंपनियों द्वारा वापस नहीं हो जाता है, तब तक यहाँ नहीं। मैं दिल्ली में जंतर मंतर पर भी धरना प्रदर्शन करूंगा और आखिरी दम तक लड़ूंगा। यह न सोचा जाए ये चुनावी मुद्दा है और ये चुनाव तक चलेगा और खत्म हो जाएगा, ये लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक लोगों का पैसा, गरीबों का पैसा, दुखियारियों का पैसा वापस नहीं हो जाता है, तब तक ये लड़ाई लोक अधिकार पार्टी लड़ती रहेगी।